हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं कटहल की सब्जी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 केजी कटहल और लगभग 300 ग्राम प्याज। तो अब आप कटहल को इस शेप और साइज में काट ले जैसे मैंने काटा है। आप आलू को उबाल लें और इसे छील लें। देखिए बिल्कुल इतना सीधा होना चाहिए, लगभग पूरा। देखिए आपको आलू को इस गोल गोल शेप में काटना है। आप जिस तरह का शेप दीजिएगा ना, स्वाद उसी तरह तरीके से आता है। अब आप एक गैस पे कुकर चढ़ाएं और उसमें सारे कटहल को डाल लें। आप प्याज भी डाल दें उसी टाइम। अब आपको सारा इसमें मसाला मिक्स करना है। आप लगभग 1 चम्मच हल्दी पाउडर, देखिए, और फिर 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और फिर 1 से 1/2 चम्मच उल्की पाउडर, और लगभग 2 चम्मच धनिया पाउडर। आपको धनिया पाउडर ज़्यादा क्वांटिटी में डालना है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। देखिए मैंने पहले से ही लहसुन का पेस्ट पीस रखा था, अब आप इसे भी डाल दें। हमें सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करना है, गैस ऑन रहेगा। अब इसे लगभग 2 से 3 मिनट तक आप फ्राई करें। 2 चम्मच तेल भी इसमें मिक्स करें और 1 कटोरी पानी। आप इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कीजिए, बिल्कुल नॉर्मल फ्लेम पे, ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा कम। और फिर आप कुकर का ढक्कन लगा दीजिए और लगभग 1 सीटी होने तक आप इसे पकाएं। तो चलिए अब हम आलू को फ्राई करते हैं। तो इसमें डालें तेल और फिर जीरा और एक कुछ तेज पत्ते। अब हमने जो आलू को काट के रखा था ना, अब हम इसमें इसको डाल देंगे। अब हम इसे आलू को अच्छे बिल्कुल लाइट ब्राउन रंग तक होने तक आपको इसे फ्राई करते रहना है। जब तक हमारे कटहल की सीटी लगेगी ना, तब तक हम लोग का आलू फ्राई हो चुका होगा। आप इसे अच्छे से चलाएं ताकि ये टूटे ना, क्योंकि ये पहले से ही बॉयल्ड है। अब आप इसमें नमक डाल दें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। हमें सब में अलग अलग नमक डालना है। हमने कटहल में भी नमक डाला हुआ है और हम आलू में भी नमक डाल रहे हैं ताकि स्वाद बहुत ही बढ़िया है। तो देखिए नमक अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो हम इसे निकाल लेंगे। आप एक प्लेट में से निकाल लें। अब हमारा कटहल भी पक के तैयार हो चुका होगा। अब गैस बंद कर दें कटहल का, अगर 1 सीटी लग चुकी है तो। तो चलिए अब हमें अब कटहल फ्राई करना है। हमने आलू तो फ्राई कर चुका है, अब हम कटहल फ्राई करेंगे। तो आप तेल डालें। तो तेल गर्म हो जाए तो हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। जब जीरा पक जाए तो आप इसमें डाल दें कटहल। आप देख सकते हैं ना कटहल कितना अच्छा पका हुआ है। और इसमें धीरे धीरे डालें बिल्कुल सेफ्टी के साथ, ताकि ये परे ना आप पे। बस आप इसे कुछ देर तक आप इसे फ्राई करते रहे, जब तक इसमें से तेल सेपरेट ना हो जाए। तेल अलग होने तक आप इसे इसी तरह से फ्राई करें। बस हमारी कटहल की सब्जी ऑलमोस्ट रेडी है। आपकी बिल्कुल चिकन के टेस्ट वाली कटहल की सब्जी बनने वाली है, इसलिए आप भी इसे अच्छे से बनाएं। देखिए आप तो देख ही सकते हैं ना कलर कितना बढ़िया है। बस आप लगभग 2 से 4 मिनट इसे फ्राई कीजिएगा ना, उसके बाद आप इसमें आलू डाल दीजिए।
आप इसे भी थोड़ा देर तक फ्राई कीजिए ताकि मसाला आलू में भी अच्छे से मिक्स हो जाए। आपकी सब्जी कितनी टेस्टी बनी है इसका क्रेडिट पूरा फ्राई को जाता है, इसलिए प्लीज़ फ्राई फ्राई फ्राई। तो आप देख सकती हैं अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो हम इसमें डालेंगे पानी, आपको कितना गाढ़ा कितना पतला चाहिए आप उस हिसाब से पानी डालें। आप लगभग 2 से 3 कटोरी पानी डालें और इसे 5 मिनट तक इसी तरह से पकने दें। आप गैस का फ्लेम हाई कर दें और इसे छोड़ दें। तो अब हम इसे सुपर टेस्टी बनाने के लिए इसमें डालेंगे मीट मसाला। अगर आपके पास मीट मसाला ना हो तो आप चिकन मसाला भी डाल सकते हैं। तो लगभग 2 चम्मच आप इसमें मीट मसाला डाल दें ताकि ये बहुत ही लाजवाब और बहुत टेस्टी बने। आप इसे मीट मसाला डालने के बाद इसे 2 मिनट तक इसी तरह से कुक करें और फिर गैस स्टोव ऑफ कर दें। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है। आप चाहें तो और गाढ़ा कर सकते हैं। तो बन के तैयार है हमारी कटहल की सब्जी, अब आप इसे सर्व करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।